नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे भारत में दुर्गा पूजा की शुरुआत के बारे में। नवरात्रि का त्यौहार आते ही लोगों के मन में एक उल्लास उत्पन्न होता है, हर तरफ खुशी का माहौल देखने को मिलता है। माता के भक्त पूरे 9 दिनों तक भक्ति भाव के साथ माता रानी का आराधना करते हैं। इस दौरान पूजा पाठ और नियम का विशेष ध्यान रखा जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान पूजा पाठ करने वालों को अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है। इस दौरान मंडप और पंडाल को बहुत ही आकर्षक रूप से सजाया जाता है। कहा जाता है कि पूरे देश में बंगाल में ही माता की पूजा बड़े ही भव्य तरीके से मनाई जाती है। पंडालों को बड़े ही आकर्षक तरीके से सजाया जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि आज जिस तरह से पंडालों को सजाया जाता है, इन सब की देन बंगाल है और बंगाल का समाज है। कहा जाता है कि बंगाल में सैकड़ों साल से दुर्गा पूजा की जाती है और इसी बंगाल से देश के दूसरे राज्यों में दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। आगे हम दुर्गा पूजा से जुड़े इसी ऐतिहासिक और दिलचस्प कहानियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं दुर्गा पूजा के शुरुआत की पूरी कहानी के बारे में। कहा जाता है कि दुर्गा पूजा का पहला आयोजन साल 1757 को प्लासी की लड़ाई के बाद हुआ था। इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई थी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इसी जीत के बाद भगवान को धन्यवाद कहने के लिए पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था। बता दें कि यह लड़ाई बंगाल के मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर गंगा नदी के किनारे प्लासी की लड़ाई हुई थी। यह लड़ाई उस समय के बंगाल के नवाब रहे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई को लेकर यह भी कहा जाता है कि सेना के प्रमुख रॉबर्ट क्लाइव ने पहले ही शहर के कई बड़े अमीरों को अपने तरफ कर लिया था। इसी जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव भगवान को धन्यवाद देना चाहते थे। हालांकि इस समय तक सिराजुद्दौला ने उस इलाके के सभी चर्च को बर्बाद कर दिया था। यह सिर्फ प्लासी की जीत नहीं थी, यहाँ से शुरू होता है अंग्रेजों का भारत में आगमन। रॉबर्ट क्लाइव के करीबी रहे राजा नव कृष्णदेव ने क्लाइव को कहा था कि हम दुर्गा पूजा का आयोजन कर सकते हैं। कृष्णदेव के इस प्रस्ताव पर क्लाइव ने मना नहीं किया और वे मान गए। इस तरह से पहली बार कोलकाता में भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए थे। इस समारोह में रॉबर्ट क्लाइव भी हाथी पर चढ़कर महोत्सव को देखने आए थे। साथ सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बर्मा से लोग बुलाए गए थे। इसके बाद से दुर्गा पूजा का चलन शुरू होता है। उस समय के बंगाल के जमींदारों ने दुर्गा पूजा की शुरुआत कर दी। वे अपने घरों में दुर्गा पूजा करते थे, जिसे देखने के लिए आसपास के गांव के लोग वहां पहुंचे थे। इसी के बाद दुर्गा पूजा आम लोगों के बीच में भी प्रचलित हो गया और आज यह आम जन के बीच में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ऐसे में आपके दिमाग में यह बात चल रहा होगा कि आखिर इसका क्या प्रमाण है कि 1757 में ही पहली बार दुर्गा पूजा हुआ था। तो इसके पीछे के जो तर्क दिए जाते हैं, जिस बात का जिक्र किया जाता है, उसमें यह कहा जाता है कि अंग्रेजों की एक पेंटिंग मिलती है जिसमें कोलकाता में दुर्गा पूजा को दिखाया गया है। यह भी बताया जाता है कि यह पेंटिंग राजा नव कृष्णदेव के महल में लगाया गया था, जिसमें कोलकाता में दुर्गा पूजा की बात कही गई है। इसी पेंटिंग के आधार पर यह कहा जाता है कि कोलकाता में पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ था। कहा तो यह भी जाता है कि साल 1757 के बाद साल 1790 में राजाओं और जमींदारों के द्वारा नदियां जनपद के गुप्तीपाड़ा में सामूहिक रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था। उसी के बाद यह आम लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो गया। लेकिन एक बात यह भी है कि अगर आप 1757 में पहली बार दुर्गा पूजा की बात नहीं भी मानेंगे, तो इस बात को आप जरूर मानेंगे कि पहले यह जमींदारों की पूजा हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ यह आम लोगों के बीच में लोकप्रिय हो गया। तो इस तरह से यह कहा जाता है कि 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई, उसके बाद से दुर्गा पूजा का चलन है वो जमींदारों के बीच में आया, लेकिन समय के साथ जो है यह आम जनमानस के बीच में लोकप्रिय हुआ। खासकर बंगाल, बिहार, झारखंड, असम में जो है यह दुर्गा पूजा काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है।